हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आप सभी ने स्लैशर मूवी तो देखी होगी, खास करके 80s की टाइम की, जिसमें एक कातिल होता है और वो लगातार बेलगाम खून पे खून करता चला जाता है। शायद से आपने देखे भी होंगे, जैसे कि हेलोवीन, टेक्सास चेंजो, फ्राइडे द 30, इस तरह की मूवी जिसमें एक कातिल होता है जो बस खून करता जाता है, अलग अलग अंदाज में बड़े दर्दनाक तरीके से लोगों को मारता है। आज मैं उस गेम के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि इसी पैटर्न को फॉलो करती है, यानी कि इसी स्टाइल को, जिसका नाम है द हैप्पी हिल होमोसाइड। जिस गेम की स्टोरी को आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद है इस तरह का कड़क कंटेंट और हॉरर, तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत जॉन वेड नाम के एक सीरियल किलर से होती है, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए क्लाउन का मास्क पहना हुआ है। फिर जॉन सबसे पहले अपने विक्टिम गॉर्डन बेकर के घर में जाता है और उसकी हत्या कर देता है, वो भी उसके ही चाकू से। फिर जॉन अपने दूसरे विक्टिम के पास जाता है जो बाथटब में नहा रही है, जिसको मारने के लिए वो रेडियो को बाथटब में डाल देता है, जिस कारण वो लड़की बेचारी बिजली के झटके से मारी जाती है। फिर जॉन उसके गार्डनर को लॉन मूवर मशीन से कुचल के मार देता है, जिसके बाद वो हैंक वॉलेंस के घर में जाता है और उसको पेट्रोल से जिंदा जला देता है, पर उसके डॉग से बच के। फिर वो एक लकड़हारे को चेन शो से काट देता है, जिसके बाद जॉन के पहले विक्टिम के घर पर पुलिस आती है, जिसको इन्वेस्टिगेट ब्रायन पावोस्की नाम का ऑफिसर कर रहा है, जहां वो एविडेंस को देखता है कि सीरियल किलर ने विक्टिम को कैसे मारा। फिर उसको पता चलता है कि विक्टिम, जिसका नाम गॉर्डन बेकर है, उसको 16 बार लगातार चाकू मारे गए, और गॉर्डन पहले एक अपराधी था जो अंडर एज पोर्नोग्राफी दूसरे देशों को डिस्ट्रीब्यूट करता था, यानी कि कम उम्र की अश्लील फिल्में। क्या घटिया इंसान है ये। और साथ में ऑफिसर ब्रायन इन सारी चीजों को नोटबुक में लिख भी रहा था, जिसके बाद जॉन हैप्पी हिल शहर के कार्गो एरिया में जाता है और एक सिक्योरिटी गार्ड को नेल गन से मारता है। फिर वो यहाँ से सीधा हैप्पी हिल स्कूल में जाता है, जहाँ वो सबसे पहले टाइलर को मारता है, जिसकी आवाज सुन के यहाँ चैट आ जाता है, जो जॉन को मारने लगता है, पर जॉन ने फुटबॉल हेलमेट पहनने की वजह से वो चैट को मार देता है। और फिर वो एक ऑफिस वर्कर को एक्स की मदद से मारता है और यहाँ से हॉन्टेड हाउस चला जाता है और दो लड़कियों का सर सीलिंग फैन से काट देता है, जिसके बाद वो स्कूल के दो स्टूडेंट्स को मारता है। पहले वाले को तो जॉन उसकी ही गोली से मार देता है और दूसरे वाले को मशेटी से मार देता है। और अब की बार दोबारा से ऑफिसर ब्रायन इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और एविडेंस देखने लगता है, जिससे उसको पता चलता है कि अब की बार दूसरे विक्टिम का नाम हैंक वैलेंस है, जिसको सीरियल किलर ने नहाते वक्त जिंदा जला दिया। और फिर वो इन सब चीजों को नोट कर रहा है, जिससे ऑफिसर ब्रायन को पता चलता है कि किलर इन सभी को जानता है अच्छे से, तभी वो इनको मार रहा है। जिसके बाद जॉन एक फिशरमैन को मारता है, जिसको ठिकाने लगाने के बाद वो बेट्स मोटल में जाता है, जहां एक सोती हुई महिला को वो क्लॉथ हैंगर से मार देता है और फिर डिनर रेस्टोरेंट के शेफ के सर को ग्रिल पे मार मार के तोड़ देता है। फिर जॉन यहां से फार्मर बिल के पास जाता है और उसको बेल मेकर मशीन से मार देता है और उसको बेल बना देता है। फिर जॉन एक महिला को मारने के लिए बस में बैठता है और किलर को पकड़ने के लिए यहाँ ऑफिसर ब्रायन भी होता है, जो सोने का नाटक कर रहा है। फिर महिला चली जाती है, यानी कि वो वुमन यहाँ से चली जाती है और उसका पीछा जॉन करने लगता है। और फिर जब वो उस महिला को मारने जा रहा होता है, तभी यहाँ ऑफिसर ब्रायन आ जाता है और फ्रीज बोलता है, जिसके बाद वो लाइट ऑफ होने के साथ ही
रफू चक्कर हो जाता है और ऑफिसर ब्रायन के हाथ नहीं लग पाता, जिसके बाद ऑफिसर ब्रायन फार्मर के पास जाता है और एविडेंस चेक करता है कि कैसे दर्दनाक तरीके से केलर ने बिल को मारा। फिर ये सभी एविडेंस ऑफिसर ब्रायन नोट करता है और वो आखिर में कंफ्यूज हो जाता है कि किलर ने बिल को क्यों मारा, क्योंकि इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर ऑफिसर ब्रायन मेडिसन कारपेंटर नाम की लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए एक ऑफिसर को भेजता है, पर वहां जॉन पहले ही आ जाता है और पुलिस ऑफिसर को चेन से गला घोटकर मार देता है। फिर वो मेडिसन के घर पर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक से मेडिसन अलमीरा से निकलती है और जॉन पर हमला करने लगती है, पर वो बचता रहता है, जिसके बाद जॉन बैट उठाता है और मेडिसन के फेंक के मारता है, जिससे वो गिर के मारी जाती है। फिर वो बोलता है, मेडिसन मुझे माफ करना, तुम बहुत अच्छी थी, पर क्यों तुम भागी, जिसके बाद वो सेंट हिल हॉस्पिटल जाता है। और जॉन के इतने सारे मर्डर के बाद पुलिस ने वांटेड पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए हैं, क्योंकि ये बंदा शहर के लिए हानिकारक है। फिर वो हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर हॉकिंस को ढूंढने लगता है, जिसको एक स्लिप बोर्ड से पता चलता है कि डॉक्टर हॉकिंस सर्जरी रूम में है, जिसके लिए जॉन सबसे पहले सर्जन सूट पहनता है और मेडिकल सप्लाई रूम से डिफिब्रिलेटर लेता है और उसे बिजली के झटके देके मार देता है, जिसके बाद जॉन मैट जैक बार में जाता है, जहां उसको गैंग मेंबर का लीडर मिलता है, जो अपने बॉयज को बुलाता है। फिर जॉन एक एक करके सभी को, यानी कि सभी लड़कों को मार देता है उसकी टीम के, और फिर एंड में लीडर को भी, जिसको मारने के लिए वो क्रॉस बो का यूज करता है और उसे दीवार पर टांग देता है। जिसके बाद जॉन जेनेटर को मारने के लिए वेस्ट पेन मॉल में जाता है, पर तभी यहाँ पर स्वॉट टीम के मेंबर फ्लैश ग्रेनेड फेंकते हैं और जॉन यहाँ से भाग जाता है और स्वॉट टीम उसे ढूंढने लगती है, जिनसे बच के वो कई सारे स्वॉट टीम के मेंबर्स को मार देता है, जिसके बाद वो उनकी वैन चुराता है और कई और स्वॉट टीम को मेंबर्स को मारता है और एंड में जेनेटर को भी मार देता है। फिर ऑफिसर ब्रायन मेडिसन के घर के पास आते हैं और एविडेंस चेक करते हैं कि उसने पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया, जिसका नाम मार्टिन था, जिसके बाद वो अंदर जाता है, जहां उसको मेडिसन की डेड बॉडी मिलती है। फिर उसको मेडिसन के रूम में एक फोटो भी मिलती है, जो मेडिसन के क्लास ग्रुप की है। फिर ऑफिसर ब्रायन को पता चलता है कि इस फोटो में जो मेंबर्स हैं वो सीरियल किलर के विक्टिम हैं, जिनको वो मार चुका है, और ये वेस्ट पाइन हाई स्कूल है, वो एक साल पहले ही जल के खाक हो गया था, जिसमें ये सभी पढ़ते थे या काम करते थे। और फिर ये सब पता चलने के बाद ऑफिसर ब्रायन को लगा ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। फिर ऑफिसर ब्रायन इन सब चीजों को नोट करता है और अब उसको सीरियल किलर के बारे में बहुत कुछ चीजें पता भी हैं, जैसे कि ये सारे विक्टिम वेस्ट पाइन हाई स्कूल में पढ़ते थे और जब 1982 में ये स्कूल जला तो इसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी और इस हादसे में सबके सब बच गए, पर जेनिटर और जॉन वेड की बॉडी कभी मिली ही नहीं। तो शायद सीरियल किलर जॉन वेडी है, क्योंकि सब बच्चों ने स्कूल जलने का ब्लेम उस पर ही डाला था, यानी कि जॉन वेड पर, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता है। पर वो मेडिसन से प्यार भी करता था और स्कूल के सारे बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। फिर ऑफिसर ब्रायन इन सब चीजों को चेक करने के लिए स्कूल जाता है, पर सबसे पहले हमें 30 जून 1982 की घटना दिखाई जाती है कि उस समय फाइनली आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले हमें जॉन वेड दिखता है, जिसने मेडिसन की बेंच पर एक गिफ्ट छोड़ा है, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। फिर वो बाहर जाता है, जहां जॉन को उसके बाकी के दोस्त मिलते हैं, जिनको वो प्रेजेंट में मार चुका है, जो उससे सही से बात तक नहीं करते, बस मेडिसन को छोड़ के, जो जॉन के गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है। तभी मेडिसन का दोस्त बोलता है, उसको अकेला छोड़ दो नामुराद, जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है और मेडिसन की फोटो देखने लगता है और बोलता है, एक दिन हम साथ होंगे। फिर तभी वो लड़के जॉन के रूम के बाहर आग लगा देते हैं और उसकी मदद भी नहीं करते, और जॉन मदद के लिए चिल्लाता है, हेल्प मी, जिसके बाद
वो क्लाउन का मास्क पहन के एक सीरियल किलर बन जाता है और सबों से बदला लेने का डिसाइड करता है। फिर गेम प्रेजेंट में आती है और उसको पता चल जाता है कि ऑफिसर ब्रायन यहीं आ रहा है, जिसके लिए वो स्कूल में जाल बिछाता है यानी कि ट्रैप, और हैमर लेकर तैयार रहता है। तभी यहाँ ऑफिसर ब्रायन आता है और ट्रैप से बच के उसके रूम में आ जाता है, जहाँ उसको विक्टिम के मर्डर की वीडियो टेप मिलती है, जिसके बाद ऑफिसर ब्रायन फाइनली जॉन से लड़ता है और आखिरकार हमारा सीरियल किलर इस फाइट में मारा जाता है। फिर दूसरी एजेंसी के ऑफिसर आते हैं, पर वो दूसरी एजेंसी के ऑफिसर ऑफिसर ब्रायन को बताते हैं बॉडी वहां पर नहीं है, तो बदले में ऑफिसर ब्रायन कहता है तो बॉडी कहां पर है गॉड डैमेड। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जॉन दिखता है जो अभी भी स्कूल में छिपा हुआ है, जिसके साथ ही ये गेम दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे यानी कि विकास आर पीटी से संपर्क साधना चाहते हो यानी कि डीएम करना चाहते हो कुछ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपके जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।